हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक मित्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप ओपन कैमरा ऐप के बारे में ज़रूर जानते होंगे। उसी से आप अपनी वीडियो को शूट करते होंगे, अगर आप मोबाइल से अपनी वीडियो को शूट करते होंगे तो। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि ओपन कैमरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं, जिनको करने से आप अपने वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी को अच्छे तरीके से HD में एनहांस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको यहां पे वॉइस और वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो का बनाने का मेरा यही पर्पस है कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ओपन कैमरा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, जो कि एक क्रिएटर को, एक यूट्यूबर को करनी चाहिए, जिससे कि उसके कंटेंट में और भी इम्प्रूवमेंट आ सके, उसका वीडियो, उसका ऑडियो और भी अच्छे से रिकॉर्ड हो और अच्छी HD क्वालिटी में आए। तो गाइस, यही सब मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर आपने बोया का B/M1 माइक को परचेज कर रखा है, तो आपको यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, इस सेटिंग को कर लेना है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर क्या करना है, आपको अपने वीडियो सेटिंग में जाना है, एंड वीडियो सेटिंग में जाने के बाद ऑडियो सोर्स में आपको जा करके और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका जो माइक है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके और अपनी HD वॉइस को आप अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन कैमरा की मदद से शूट करके रिकॉर्ड कर सको। तो पहली सेटिंग तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरी सेटिंग के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट होता है जब आप वीडियो को बनाने बैठो, यूट्यूब वीडियो को शूट करने बैठो। तो यहाँ पे गाइस, दूसरी आपको क्या सेटिंग करनी है, आपका जो एक्सपोज़र है उसको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बंदों का एक्सपोज़र जो है वो ज़्यादा रहता है, उनके मुंह में ज़्यादा चमक आती है, वाइट, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग, इसमें एक ओपन कैमरा में आपको एक्सपोज़र का ऑप्शन होता है, जिससे आप कम कर सकते हो और घटा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको -50 EV ही करना है, ताकि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आए, यानी कि आपका जो कलर है, आपका जो स्किन टोन है वो सही तरीके से आए, ये ना हो कि ज़्यादा वाइट हो जाए या फिर रेड हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सेटिंग्स आपको फॉलो करनी है, और यहाँ पे आप बगल में स्क्रीन देख ही सकते हो, यहाँ पर इस सेटिंग्स को आपको कर लेना है। तो ये मोस्ट दो इंपॉर्टेंट सेटिंग होगी जो कि आपको करना है। और तीसरी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब अपनी वीडियो को बनाने बैठो तो आपको अपना जो है एक्सपोज़र सेट करके और इसको लॉक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, एक आपको आइकन दिख रहा होगा ताले जैसा, उस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड देन क्या होगा कि आपका जो एक्सपोज़र है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और जो आपकी रोशनी है चेहरे पे जो पड़ती है वो ना तो कम होगी ना घटेगी, जितने पे थी उतने पे ही वो रह जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को कुछ इन ट्रिक्स का यूज़ करके, कुछ इस तरीके की सेटिंग्स का यूज़ करके अच्छे तरीके से शूट कर सकते हो, ताकि आपका वीडियो प्रोफेशनल दिखे और अच्छा दिखे। सो आई होप गाइस, आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा YouTube से रिलेटेड। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चले गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।